हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, चंगे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा क्योंकि ये पॉलिटिक्स से रिलेटिव है और अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर टेस्ट भी इंक्लूड किया है, 25 जो है क्वेश्चन इंक्लूड किया है, तो वो आप टेस्ट जरूर लगाइएगा। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगा तो उसके आंसर आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आपने ये अच्छे से लगा लिया ना तो आप 100% जो है आपका प्रश्न एक भी बाहर नहीं आएगा और 100% प्रश्न आप कर आओगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये वित्त आयोग क्या है और आखिर इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और इसका गठन क्यों किया गया। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था और जो 1950 से हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, तब हमारी जो भारत की एक नई सरकार बनी थी। सरकार भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक होती है राज्य की सरकार, एक होती है केंद्र की सरकार। फ्रेंड्स, अब सरकार तो बन गई लेकिन सरकार के पास पैसा कैसे आएगा हम लोग का भला करने के लिए। तो भला करने के लिए और उसने एक व्यवस्था और बनाई, टैक्स की व्यवस्था। तो हम लोग टैक्स भी देने लगे। अब भैया, हम लोग टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन ये पैसा केंद्र सरकार को जा रहा है कि राज्य सरकार को जा रहा है, या पूरी केंद्र सरकार खाई जा रही है कि राज्य सरकार खाई जा रही है? इसका जो बंटवारा है, टैक्स का बंटवारा, पैसे का बंटवारा, आखिर इसको देख कौन रहा है, इसकी व्यवस्था किसने करी? तो इस सब को संभालने के लिए, इन दोनों के बीच में बंटवारा करने के लिए पैसों का एक आयोग का गठन किया गया, जिसे हम लोग वित्त आयोग कहते हैं। ओके, वित्त आयोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में पैसे का क्या करती है, बंटवारा करती है, ठीक है। इतना सही बस आपको समझना है और कुछ आपको नहीं समझना है। तो दोस्तों, बात करते हैं जो वित्त आयोग है, ये एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका उल्लेख मिलता है। इससे पहले मैंने आपको निर्वाचन आयोग भी पढ़ा चुका हूँ, वो भी एक संवैधानिक संस्था है। तो जितने भी संवैधानिक संस्था हैं उनको भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। अभी निर्वाचन आयोग हो गया है, आज वित्त आयोग हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके गठन के बारे में। तो दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1951 में हुई थी। इसके जो गठन है वो राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का। हर 5 साल में आवश्यकता अनुसार इसका गठन किया जा सकता है और अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो 5 साल से पहले भी कर सकता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ये जो है एक अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है, मतलब ये जो है एक अर्धन्यायिक तरीके से जो है काम करती है और ये सलाह भी देती है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब इस आयोग की सिफारिश एक सलाहकार होती है, जैसे कि मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, और इसे जो मानना है ना या ना मानना, वो जो गवर्नमेंट है ना उस पर निर्भर करता है। मतलब कि वर्तमान में जो सरकार है वो चाहे इसकी जो सिफारिश है, इसकी या सलाह है, उसको या तो मानेगी या तो नहीं मानेगी, ये सरकार पे डिसाइड रहता है। तो ये तो बात हो गई उसके गठन के बारे में। बात करते हैं आखिर उसकी संरचना कैसी है। तो फ्रेंड, जो वित्त आयोग आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 280(1) में राष्ट्रपति, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य के साथ मिलकर वित्त आयोग का गठन करता है। तो आर्टिकल 280 हमें ये बताता है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कैसे करता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और बता दूं, इसका जो अध्यक्ष रहता है, अध्यक्ष ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सार्वजनिक तथा लोक मामलों का क्या रहता है, जानकार रहता है। सार्वजनिक में आपका ये भी आ जाएगा कि उसको हर चीज़ की क्या होती है, समझ रहती है, चाहे वो अर्थशास्त्र से संबंधित हो, चाहे वो वित्त से संबंधित हो, चाहे कानून से संबंधित हो, उसको जानकारी रहती है। बात करें जो 4 अन्य सदस्य रहते हैं, 4 अन्य सदस्य उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनके बराबर की योग्यता रखते हैं इसके जो 4 सदस्य हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि अध्यक्ष को छोड़ के कितने सदस्य वित्त आयोग में रहते हैं। तो 4 सदस्य रहते हैं, यानी कि कुल मिला के कितने रहते हैं, 5 सदस्य रहते हैं। ओके, अब बात करते हैं इनके कुछ कार्यों के बारे में। तो आखिर इनके कार्य क्या हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं हम लोग टैक्स भरते हैं और ये जो सारे टैक्स है, चाहे प्रत्यक्ष कर हो, चाहे अप्रत्यक्ष कर हो, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट टैक्स हो, ये जाके संचित निधि में जमा हो जाता है। संचित निधि क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि संचित निधि वही निधि होती है, निर्वाचन आयोग जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब आपको मैंने अच्छे से बताया था कि संचित निधि वह निधि होती है जहाँ पर हमारा टैक्स पूरा जमा होता है और इसी के माध्यम से क्या करा जाता है, संचित निधि से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पैसा दिया जाता है और जो बड़े बड़े सरकारी पद रहते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनको भी जो सैलरी है वो संचित निधि से ही दी जाती है।
फ्रेंड्स इसका कार्य क्या रहता है, संचित निधि से केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को पैसा बांटना, यानी कि पैसे का बंटवारा करना इसका कार्य रहता है। बात करें कि राज्य सरकार को पैसे देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 275 में कहा गया है कि राज्य को संचित निधि द्वारा पैसा दिया जाएगा या पैसे का बंटवारा किया जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अब जो है ये जो वित्त आयोग है ये हमारे भारत लेवल का है, केंद्र लेवल का है। एक राज्य लेवल का भी वित्त आयोग रहता है, जैसे हम लोग राज्य वित्त आयोग कहते हैं। उसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 243(1) है, जिसमें राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। बात करते हैं कि जो हमारा वित्त आयोग है, वित्त आयोग अपनी जब रिपोर्ट तैयार करता है तो वो राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट जाने के बाद वो रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है। इस तरह से जो है वित्त आयोग की पूरी रिपोर्ट वर्क करती है। बात करें अगले पॉइंट के बारे में, अगला पॉइंट अब इम्पोर्टेंट है क्योंकि 15वां वित्त आयोग का गठन हो चुका है और इसका जो कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष का रहता है, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है। तो अब मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनना। जो 15वां वित्त आयोग है इसका जो मतलब कि गठन हुआ था इसका हो गया था 22 नवंबर 2017 को, केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी थी। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, 2020 से 2025 तक रहेगा, 5 साल का इसका कार्यकाल रहता है। और इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, इसके अध्यक्ष रहेंगे एनके सिंह। नाम याद रखना, नाम पूछा जाता है, अध्यक्ष कौन रहेंगे, एनके सिंह। और 4 सदस्य जो हैं उनके नाम भी आप एक बार देख लीजिए, ऑप्शन में आ जाएगा तो आप लगा दोगे, शक्तिकांत दास और डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र। ठीक है, तो ये जो हैं 15वें वित्त आयोग के क्या रहेंगे, सदस्य या अध्यक्ष रहेंगे। एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जो AK चंदा जी हैं ये केग से रिटायर व्यक्ति हैं। केग यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षद, ये भी एक संवैधानिक संस्था है। तो फ्रेंड्स ये जो हैं रिटायर्ड हैं केग से और इनको वित्त आयोग का अध्यक्ष चुन लिया गया था, जबकि ऐसा नहीं किया जाता, ऐसा बिल्कुल वर्जित है। वित्त जो केग है, केग से कोई भी रिटायर व्यक्ति वित्त आयोग का अध्यक्ष नहीं बन सकता है, तो इनको बनाया गया था। तो इनका नाम ध्यान रखना, AK चंदा। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो अभी तक जो है 14 वित्त आयोग मतलब कि बन चुके हैं, 15वें भी बन गया है। ठीक है, तो पहले के जो 3 हैं इनके पास आप नाम याद रख लेना, इनके अध्यक्ष कब थे और ये किस सन में हुआ था, और अभी आखिरी के 2 याद कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, जो सबसे पहला वित्त आयोग बना था वो 1951 में बना था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, KC नियोगी थे। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, वित्त जो वित्त है, पहले आप कोई भी वित्त लोगे या पैसे लोगे तो कैसे लोगे, कैश लोगे ना, तो केसी लोगे ना, तो केसी से हो गया केसी नियोगी, केसी लोगे केसी नियोगी। ठीक है, पैसे आप केसी लोगे। ओके, चलिए दूसरा जो है 1956 में हुआ था, जिसके केस संथानम थे। उसके बाद जो 1960 में AK चंद्रा। ओके, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चलिए अब जो हम आखिरी के 3 अच्छे से याद कर लेते हैं कि 12वें जो थे 2003 में गठन किया गया, DC रंग राजन, जो कि 2005 से 2010 तक चले। बात करें जो 13वें थे 2007 में, वो विजय L केलकर, जो कि 2010 से 2015 तक इनका कार्यकाल चला। बात करते हैं 14वें जो थे वो बाईवी रेड्डी, और अभी भी यही हैं क्योंकि 2020 तक इनका कार्यकाल है। ठीक है, तो 2015 से 2020 तक, तो अभी भी जो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बाईवी रेड्डी हैं। 2020 से जो हैं वो एनके सिंह हो जाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। ओके, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से हमने इसको समझने की कोशिश करी है, और बहुत ही सरल तरीके से एक पेज में मैंने आपको पूरा वित्त आयोग समझाने की कोशिश करी है। काफ़ी सरल तरीके से आपको समझ में आया होगा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। तो अब हम लोग इसका टेस्ट लगाते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि फ्रेंड्स आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो और कुछ भी आपको मज़ा आता हो या सीखने को मिलता हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए करिए, और साथ ही दोस्तों कमेंट जरूर करा करिए। आपका कमेंट आता है तो लगता है कि आप रियली मेरी वीडियो देख रहे हो और कुछ सीखने को मिल रहा है, तो और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर वित्त आयोग क्या है। तो वित्त आयोग क्या है, आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, वित्त आयोग क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन है आपके सामने कि स्थायी निकाय, या वार्षिक निकाय, या त्रिवार्षिक निकाय, या पंचवार्षिक निकाय।
तो इसका आंसर आप वेरी सिंपल है कि पंचवार्षिक निकाय है, क्योंकि 5 वर्ष के लिए ये आयोग रहता है। संवैधानिक संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है, कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है, नो डाउट। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन इसमें आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते। कुछ नहीं, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, क्वेश्चन बस वहीं से घुमा फिरा के दे देगा आपको, कुल मिला के उससे बाहर नहीं देगा। इसलिए मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया, कम शब्दों में बताया, लेकिन जो बताया सटीक बताया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन घुमा फिरा के बोलेगा, ठीक है। बात करते हैं जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का गठन कितनी वर्ष की अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। आप देख सकते हो ना, अब ऊपर वाला क्वेश्चन और इधर वाला क्वेश्चन सब इसी तरह से जो है ना रिपीट क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपका भ्रम दूर होना चाहिए कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ओके। तरीका चेंज हो जाता है। हाँ, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? कौन सी संवैधानिक जो है संस्था है? तो वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था है, बाकी योजना आयोग, राष्ट्रीय आयोग ये जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन मिलता है? तो नो डाउट 280, ठीक है। मजा आ रहा होगा ना, कितना आसानी समझ में आ रहा है। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अतिरिक्त कितने सदस्य की व्यवस्था रहती है अध्यक्ष को छोड़ के? ठीक है, तो 4 सदस्यों की। निम्नलिखित में से किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि केग के वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि ऐसी नियुक्ति करना वर्जन है? तो वो थे AK चंदा, ठीक है। AK चंदा मैंने आपको बताया ना, प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे। अब प्रथम वित्त आयोग यानी कि जो पहला वित्त आयोग है, पहली बार में आप कोई सी आग पैसे लोगे तो क्या लोगे? केसी लोगे ना, तो केसी से हो गया, केसी नहीं होगी, ओके। यहाँ पर केसी पंत भी दिया तो ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, केसी नहीं होगी, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग अगला हमारा क्वेश्चन कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YB रेड्डी, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाला सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग करता है, नो डाउट। वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य वो क्या होता है? इसमें एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर आपका आ जाएगा कि केंद्र व राज्यों के जो कर हैं उनमें क्या करता है, बंटवारा करता है। केंद्र व राज्य के बीच में धन के बंटवारे से संबंध राय देता है, कौन देता है? तो वित्त आयोग देता है, ठीक है, क्लियर। चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन हमारा, देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र और राज्य में राजस्व का वितरण कौन करता है? तो वो वित्त आयोग करता है। राज्य की सहायता अनुदान राजस्व का आवंटन कौन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा। सामान्यतः 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की स्थापना की जाती है, तो किस लिए की जाती है? वो केंद्र और संघ राजस्व के बीच में जो क्या है, निर्धारण के लिए, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि राज्य के कर भाग को निर्धारित करता है, वो करता है वित्त आयोग। कितना सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ना अपन लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे फ्रेंड्स। अब ये जो क्वेश्चन है इनके कमेंट आपको करके बताने हैं, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय संस्था है? भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से कमेंट करके बताने हैं, और ये भी बताना वीडियो कैसी लगी, वो शेयर तो कर ही देना, ठीक है, और लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।